शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी अध्यापिका मिलेनियम परिवार से आज आई हूँ एक नया विषय लेकर। आज का हमारा विषय शुरू करने से पहले आप मुझे बताएंगे अब तक हम कौन कौन से व्यंजनों का लेख कर चुके हैं। जी हाँ, हम कर चुके हैं झ का लेख, झ का लेख। और हमने किया है ट का लेख। कौन सा? ट का लेख। बताइए बताइए, और कौन सा लेख किया है हमने? जी हाँ, और हमने किया है ठ का लेख, ठ का लेख। और आज हम करेंगे ड का लेख। कौन सा लेख? ड का लेख। और ड का लेख शुरू करने से पहले हम ड से शुरू होने वाले चित्रों का प्रयास करेंगे। चलिए ड से शुरू होने वाले चित्रों का प्रयास शुरू करते हैं। बच्चों बताइए मुझे, क्या है ये? बोलिए बोलिए, क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है डंडा। ड से डंडा। अच्छा, तो अब ये कौन बताएगा कि ये क्या है? बोलो बोलो, कौन बताएगा कि ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है डोरी। ड से डोरी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइए ये क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है ये? बिल्कुल सही, ड से डमरू। आप भी बोलिए मेरे पीछे, ड से डमरू। बहुत खूब। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? बिल्कुल सही, ड से डब्बा। आप भी दोहराइए मेरे पीछे, ड से डब्बा। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम ड का लेख की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। और ये रही हमारी ड का लेख की कार्यपत्रिका। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रिका शुरू करने से पहले सबसे जरूरी और अहम बात, हमेशा हिंदी का कार्य करने के लिए 5 लकीर वाली कॉपी या कार्यपत्रिका का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 नीले रंग की और 3 लाल रंग की लकीर होती है। तो बताइए, हिंदी का कार्य करने के लिए कितनी लकीर वाली कार्यपत्रिका चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, 5 लकीर वाली। और कार्य करना हमेशा दूसरी लकीर से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और कर्व, और साथ ही में एक और कर्व, बन गया ड, बन गया ड। चलिए फिर से दोहराते हैं। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व और एक और कर्व, बन गया ड। फिर से दोहराते हैं। एक स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, कर्व और एक और कर्व, बन गया ड। और ये हो गई हमारी कार्यपत्रिका पूरी। जो आप भी घर पर बैठकर अपने माता पिता के साथ ड का लेख का प्रयास करें और अपनी अपनी कार्यपत्रिका अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हमेशा हंसते रहिए।